सवाल हुआ ना, देन यू हैड इट अरुण, सेम सवाल हुआ ना। अभी क्या कर रहे हैं? सवाल ये है कि ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप आपके सभी करेंगे, आप लुक सेंटर, हमने सुना कि आलिया जी ने पूरी पिक्चर को आप बताइए कि क्या फीडबैक मिला है आपके घर वालों से, आपके दोस्तों का और आपको की पसंद है यहां पे? नहीं, आलिया आलिया जी ने काफी टाइम पहले देख चुकी है, आलिया जी ने काफी टाइम पहले देख चुकी है और उन्होंने इमीडिएटली मुझे फ़ोन किया था। मैं मुक्तेश्वर में थी, मुक्तेश्वर पता है ना पहाड़ों पे, तो मैं वहाँ थी तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोली कि बहुत ही प्यारी फिल्म है और एक ऐसी ऐसी मतलब एक क्या बोलती स्टोरी बुक जैसा कुछ है, वो स्टोरी जैसा है जिसमें हम घुस जाते हैं एंड शी इज़ कमिंग, वो आने वाली है, तो आप खुद आप उनसे पूछिए उन्होंने क्या महसूस किया ये फिल्म देख के। बट माई फैमिली हैज़ ऑलवेज ऑब्वियसली बीन वेरी सपोर्टिव, आई थिंक दे वर द वंस हु लाइक हैव प्रॉब्ली यू नो आई डोंट नो दे बिकम मोर एक्साइटेड अबाउट द फिल्म देन आई मीन आई वाज, सो आई जस्ट हैव टू से दैट यू नो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल देयर सपोर्ट। ओके मैम, इसी के साथ काफ़ी अलग सी कहानी है, जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा काफ़ी यूनिक, एक अलग सी लव स्टोरी है, एक अलग सी मतलब एक अलग ही फीलिंग है देखा। हाँ जी जरूर। तो किस तरीके का कॉम्प्लीमेंट आपको मिला, जो कोई एक ऐसा स्पेशल कॉम्प्लीमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा फील हुआ? आई हैव गॉट वेरी वेरी जेन्युइन फीडबैक फ्रॉम पीपल and especially from my wonderful co-star here Ahana, who's like firstly a brilliant actress herself, but I think her love for me as a person and as an actress trumps everything else. So sweet. She's really been so encouraging and so kind of genuine in her love and praise. But I hope that I have also been genuine in my love and praise, because I think she's a wonderful actor and it was such a pleasure working. It was a pleasure working with this young girl. That's really.
एक्चुअली मेरे किसी दोस्त ने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन ट्रेलर देख रखा है सबने. एंड आई थिंक मेरी मॉम ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, एंड शी सेड कि आई मीन फॉर यू ऑल्सो, शी वाज लाइक मैंने कभी सोनी राजदान को इस रूप में नहीं देखा है. एंड शी रियली लुक्स लाइक यू नो लाइक अ टाइमलेस क्रीचर. Like she's just looking like a timeless person in the film, and I think everybody's looking forward to seeing, you know, how ma'am has taken the story entirely on her shoulders. Because you know, hum log characters hain jo hum log aate hain aur jaate hain is film mein, but she is the one from the beginning till the end. She is really carrying the film, and it's a character driven film. And character driven films kabhi aasan nahi hoti hain kisi ke liye bhi. There's a lot of thought process. There's a lot of you know, preparation that goes into it, and I think she's done a fabulous job. और इतनी प्यारी दिखी है फिल्म में. She's looking so beautiful in the film that you can't take your eyes off her. You really can't. वो आपको उंगली नहीं दिखाएंगे. बहुत दुख होता है. और जब हमने वो OCI कार्ड मिल चुके थे, हाँ. तो उन्होंने क्या बोला कि बहुत जल्द हम ड्यूअल सिटीजनशिप चालू करेंगे. तो हम उससे वो उसी उम्मीद में हम वेट कर रहे थे कि एक पासपोर्ट को क्यों गिव अप करो जब ये आने वाले हैं. और अभी तक हम वेट कर रहे थे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बिकॉज यू नो हम टैक्स पे करते हैं, हम सब कुछ करते हैं. जैसे कि आलिया जी बहुत बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, तो मैं क्यों वोट क्यों नहीं कर सकती. अगर हम हमारा टैक्स ये हमारे देश के लिए अच्छा है, तो फिर हमारा वोट क्यों नहीं अच्छा है. आई थिंक इट रियली डिजर्व सम काइंड ऑफ अ थॉट. तो होपफुली आई मीन ये पॉलिटिकल बात हम एक्चुअली नहीं करना चाहिए, बट एक दिल से मतलब हम अपने देश के लिए तो कुछ तो करना यू नो वी हम फील करते हैं. वो ज़रूरी है. तो हम नहीं कर पाते, बहुत दुख होता है. सेम आलिया भी नहीं कर सकती, तो आप और आलिया ने भी आपका दोनों का प्रोसेस चल रहा है कि जल्दी ये सिस्टम. हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए, बट हमारे हाथों में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है ना. तो जब तक वो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसी बात है. थैंक यू. या सब लोग यहाँ पे हैं. जी वाले क्या कर रहे हैं आज के इस युग में जहाँ पर हर कोई बड़े बड़े स्पेक्टेकल्स पेश करता है, आँखों को लुभाता है, उस फिल्मों की स्केल की बातें होती हैं, उस युग में एक ऐसी फिल्म आई है जो दिल से निकली है और दिल तक पहुँचती है, क्योंकि उसमें ईमान है. हमारे मुल्क की एक सच्चाई है कि हमारे शहरों में महिलाओं की जो तन्हाई की एक स्पेस है, उसको हम छूते ही नहीं. और एक मुल्क ने एक बहुत जुल्म किया है कि हमने हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको देखना ही छोड़ दिया. अतीत में होता था,
हमने एक बहुत कमाल की फिल्म देखी थी 36 चौरंगी लेन, मगर वो एक एंग्लो इंडियन महिला की कहानी थी। ये बंगाल की कोलकाता की एक हिंदुस्तानी महिला की कहानी है, मगर और इसकी अनोखी बात यह है कि ये तन्हाई को भी एक नए अंदाज से पेश करती है। वो छाती पीटने वाली, शराब पीने रोने उठाने वाली तन्हाई नहीं, क्योंकि तन्हाई से जूझने का तरीका भी बदल गया है। और ये जो डायरेक्टर हैं, ये कमाल के डायरेक्टर, मैंने कलकत्ता कभी शहर जो है कोलकाता कभी ऐसा देखा नहीं। और मैं तो हैरान तब हुआ कि जब कोलकाता में जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि ये हमने इस नज़र से अपने शहर को कभी महसूस ही नहीं किया था। तो इसमें एक कहानी की गहराई है और अकेलेपन में जो एक प्यार की मिठास होती है, उसको जो किस अंदाज से फिल्म मेकर ने बुना है, ये काबिल-ए-दाद है। और मैंने यहाँ इस फिल्म में एक कैमियो प्ले किया, क्योंकि एक दिन अचानक फ़ोन आया मुझे संजय का कि मैं चाहूँगा कि आप मेरी फिल्म में एक्ट करें। तो मैंने कहा मैं एक्टर तो होंगे भी, इसलिए मैं आपको एक सीन भेजता हूँ, आप पढ़ लीजिए उसको, और अगर आपको लगता है तो बड़ी अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो मैंने कहा एक तो बिना पढ़े मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझे मेरी बीवी के साथ में एक फिल्म में एक रोल प्ले करने को कहा तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अवसर मुझे कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा कि वो एक ऐसी फिल्म देखें जिसमें हम दोनों साथ में, कुछ पल के लिए सही मगर साथ में। ये हमारी लालच थी, मगर इनके साथ में काम करके आधा दिन काम किया था हमने कोलकाता के स्टेशन पर। इनका अंदाज काम करने का बड़ा बिल्कुल अलग है। छोटी सी टीम थी, 3-4-5 लोग गिनती के थे, मगर जिस एफिशिएंसी उससे उन्होंने काम किया और जो फाइनली वो सीन पर्दे पे आता है तो जान ले लेता है। तो इस किस्म का सिनेमा आज की तारीख बनाने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए। लोग कहते हैं कि एवेंजर्स बनाने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए, हाँ चाहिए भाई, मगर इस दौर में इस किस्म का सिनेमा जो है कंसीव करना, और मैं ये जो अजीज को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जरूरत करके इस फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया। वाइफ के साथ साथ बेटी के साथ में भी काम करने वाले हैं, तो उसका क्या स्टेटस है? अगर आप वो कहानी फिर कभी, आज सिर्फ योर ट्रूली की बात करेंगे। और सर एक आपसे परमिशन लेना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप बात करें, क्योंकि हिंदी आपका नाम बहुत ही उछाला जा रहा है, आप भी जानते हैं हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने बच्चों पे उंगली नहीं उठाते। ये हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चों के खिलाफ कहना, उससे आपकी दुकान तो चल जाएगी मगर हमारा जो एक जीने का तरीका है वो आड़े आता है। इसलिए मैं कभी नो कमेंट्स कह के बात को टालता नहीं हूँ, मगर क्योंकि एक जूनियर बच्ची है जिसने ज़िंदगी हमारे साथ शुरू की है, अगर उसने कुछ उसके रिश्तेदार ने कुछ कहा है तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँ, उससे बात जो है बढ़ेगी, और हम मरते दम तक हमारे बच्चों के बारे में बुरा कभी नहीं कहेंगे। ये हमारे स्वभाव के खिलाफ है, हमारी फितरत के खिलाफ है। आप उससे बुलवाना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उन्होंने कही है बात, कही है, बड़े लेवल पे वायरल किया जा रहा है, इसलिए मैं कही है लोगों, अगर मुझे गाली देने से आपकी दुकान चलती तो मुझे अगर आप मुझे गाली देने से किसी की दुकान चलती तो मुझे क्यों एतराज़ होना चाहिए? कोई पेट भर रहा है, किसी की दुकान चल रही है, मगर मैं अपने जूनियर्स के खिलाफ, अपने महिलाओं कोई बच्चियों के खिलाफ एक बुरा कड़वा शब्द नहीं बोलूँगा। ये मेरे संस्कार में जो रोकते हैं, मैं नो कमेंट्स वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मगर मैं बोलूँगा। ओके, अरे यार आले जी सामने, आले जी, अरे आले जी सामने।
सब ठीक है, फ्रेम अच्छा है, ओके रोल जी। मैंने पूरी फिल्म देख ली है, मैंने एक्चुअली बहुत टाइम पहले ये फिल्म देखी थी और फिर मैं कोलकाता भी गई थी फेस्टिवल के लिए, जब वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी फिल्म, बहुत ही अनयूजुअल कहानी है, बहुत ही सिंपल स्वीट और इंटरेस्टिंग यूनिक कहानी है। एंड इट्स द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम सीइंग माय मदर लाइक दिस इन सच अ एक्सटेंसिव लॉन्ग पार्ट, आई थिंक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और मैंने इनको बोला भी, थैंक यू भी बोला था, क्योंकि मैंने बोला कि आप यू नो थैंक यू फॉर गिविंग माई मदर दिस फिल्म, बिकॉज मेरा मानना है शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव सीन लाइक इन द कंट्री, एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट। एंड टू सी हर लाइक दिस सो एक्सटेंसिवली मेक्स मी फील सो हैप्पी। और मैंने अपने पापा को भी बोला था कि आई फील लाइक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर विदाउट रियली नोइंग इट। वो अननेचुरली हो गया है, जो वो बहुत कुछ करती है स्क्रीन पे मैं भी करती हूँ व्हेन शी इज लाइक सिटिंग, खास करके जब वो साइलेंट होती है। या स्क्रीन पे हमने और मॉम डैड को साथ में, ऐसी कोई हम सर आपसे भी जाना, ऐसी कोई फिल्म देखेंगे जहां पे मॉम डैड एंड यू साथ में ऐसा कुछ होने वाला है, सब कुछ सर आप वो तो मतलब डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। ये फ्रेम जो है अपने आप में संपूर्ण है, संपूर्ण है। अब ये लम्हा ही अपने आप में सवाल का लम्हा है कि हम तीनों खड़े हैं और फिल्में बनती रहती हैं, ये असलियत का सवाल ले लीजिए। That's true. Yeah. Okay, मैम मेरा सवाल आपसे है, काफ़ी अलग तरीके की फिल्में आप चुनती हैं अगर आपकी फिल्मों की अगर बात करिए, जिस तरीके से रिसेंटली हमने देखी नो फादर्स इन कश्मीर एंड नाउ दिस वन, तो क्या आप मत सोचती हैं कोई फिल्म चुनने से पहले? मैं फिल्म नहीं चुनती, फिल्म मुझे चुनती है। सो मैं बस ये सोचती हूँ कि मुझे एक अच्छा रोल मिल जाए, मैं खुश हो जाऊँगी और मैं खुश हो जाती हूँ उसके साथ उसे, और कुछ करने को मिलेगा और उस रोल में तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये मेरी राय है। हाँ, हमने राजी की थी साथ में एंड दैट रियली वर्कड आउट वेरी वेल फॉर बोथ ऑफ अस, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब हम साथ में स्क्रीन पे आए थे, एंड आई सेड इट ड्यूरिंग राजी आल्सो कि आई होप इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ओके, इसी के साथ में आपका जी आई थिंक आई वाज प्रिविलेज्ड टू हैव देम ऑन स्क्रीन टुगेदर, and I've always thought Soni Razdan the actress was underutilized, so mujhe mauka mila mujhe mauka mila to explore that, and you'll see it when you see the film after this. So yeah, I think I'm fortunate enough to have, and of course when you see him in his new avatar today, so yeah, I think I'm fortunate. And Alia ji, humne aapke aane se pehle Sanjay ji ko bhi pucha ki kal pure Maharashtra mein election tha, lekin aap and madam vote nahi kar sakte kyunki aap log ke pass mein NDC se, so is baat ka malal hota hai ki malal mein kuch samjhao, meaning kya hai? Dukh, afsos. I mean it's a catch 22, yeah, but
Yeah. No, we would like to vote. We would of course love to vote, but एक situation है technically जो अब फिलहाल possible नहीं है. Hopefully maybe in the future there could be a dual citizenship or whatever उसमें से शायद कुछ हो सके. But I'm very glad that everybody went out in such big numbers and voted. Not in Mumbai though. No, in Mumbai also it was a rise. Mumbai didn't go? 50% I think thoda. No, a rise. Maharashtra ke interior mein zyada voting di thi hamare jo स्मॉल टाउन्स हैं और विलेजेस से लोग ज़्यादा गए थे. शहर में लोग चिल्लाते हैं बहुत हैं और बाकी काम ट्विटर पे कर देते हैं. ओके आलिया, इसी के साथ में गाना भी आज रिलीज हो गया है. जब इन्होंने बोल दिया तो मैं क्या बोलूं. नो बट डेफिनेटली इट वाज इट्स अ रियली फन सॉन्ग एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद टाइगर. और I'm just abhi tak to I think positive hi hai, so I'm just hoping people enjoy the song. It's a really fun song. संजय मेरे फ्लैश बंद करो तो भी नहीं किया पर. हां संजय, थैंक यू सब कुछ तुम्हें बता देंगे. एक साथ में फोटो का मोमेंट. अरे नहीं है ना, नहीं लेगा क्या आवाज आ रहा है. ये राइट साइड थैंक यू.